दोस्तों मेरे बारे कहा जाता कि गल कोई भी हो मैं मोड़ घेड़ के गल भाषा से लिया आना पंजाबी भाषा से लिया आना तो मैनू मेरे अलांबे दिते जाते हैं कि फैमिली प्लैनिंग का बोर्ड लिखा होता तो बंदा फैमिली प्लैनिंग का संदेश लैन की बजाय उस भाषा गलतियां कढ़ता। सो अज की इस किताब भी मेरा एक सरोकार भाषा का दोनों परचा लिखण वालों ने उस गल वल ध्यान नहीं दिता, मैं माफ़ी चाहना, मैं उधर ध्यान जरूर दवावगा। रूं शब्द जिहड़ा पुलिंग है इस किताब विच इहनू इस्त्री लिंग के तौर पर वरत्या गया, जदों रूं का लोगड़ बन जाता वह भी पुलिंग होंदा, जदों उहनू दुबारा पिंजरिया जाता तो फिर रूं बन जाता, फिर भी वह पुलिंग रहिंदा। पर संघा साहब ने पता नहीं किद्दां रूं पिंजदिया पिंजदिया इस्त्री लिंग बना दिता। तो ये गल मैं जरूर कहनी सी। बाकी संघा साहब ने इस उकाई नू, इस अणगहली नू कह लो, अपनियां बोलियां दे विषय इस तरह के चुने हैं कि उन्हां दी ये उकाई ते अणगहली लुक जाती है। उन्हां दा जिहड़ा वड्डा गुण है कि उन्होंने अपनी बोलियां विच अपनियां जिहड़ी विषयां दी बनसवंता लई है उहदे बारे जे मैं ये कहां कि जे मैं कल नूं इत्थों किसी परचे का संपादक बना जां, मैं कोई अखबार कढ़नी शुरू करा, तो मैं संघा साहब दीआं बोलियां एक एक दो दो हर रोज़ एडिटोरियल पेज ते संघा बाणी दे नां हेठ प्रकाशित करिया करांगा। ये इन्हां दीआं बोलियां मैनूं कहिंदा कोई संकोच नहीं, छोटे छोटे एडिटोरियल ने, छोटे छोटे मिडल लेख ने, जिहड़े भारी चीज़ उपरों एडिटोरियल उपरली डायरी पढ़ने तो बाद सानू राहत देने लई मिडल लेख हुंदे आ, उस तरह संघा साहब दीआं बोलियां ने जिहड़ियां सानू राहत भी दिंदियां, थोड़ा चिर साह भी दिंदियां संजीदा चीज़ पढ़ने तो बाद, ते नाल नाल सानू संजीदा भी रखदियां हन, उंगल ला के किसी पासे भी ली जांदियां हन। ते उह पासा किहड़ा तुसीं देख ही लिया, चंगा पासा है। एक गल होर, इन्हां दीआं बोलियां पढ़ने तो बाद मैनू याद आई है कि लोक बोली, लोक साहित, लोक गीत उही बनता है जिहड़ा किताबां तो परां हो के लोगों दी जुबानां ते चढ़ जांदा, लोगों के चेतियां च बस जांदा। अज तक कदे भी किसी शायर की गज़ल नूं लोक गज़ल नहीं किया गया, लोक नज़म नहीं किया गया। जे परवान होए हन तो लोक गीत होए हन, लोक बोलियां परवान हुई हैं। संघा साहब बड़े अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं इतों मैं कहने कोई संकोच नहीं कि इस फंक्शन आने तो पहला मैं बिल्कुल इस तरह सोच के आया सी कि बहुत ही गैर संजीदा जहा ढंग यार बोलियां की भी कोई किताब होंगी है तो उत्थे मतलब कोई गाने वाले आए होंगे, वह जिदा का आम तौर पर रौला रप्पा, पिछे भी स्पीकर, मूहरे भी स्पीकर, इदा का रौला रप्पा होना। तो चलो उत्थे भी मैं चल, मैनू इस गल की सार्थकता से कि मैं कुछ दोस्तों को मिलावगा, पर वो गल मेरी इतने रद्द हुई है। इन्हां बोलियां ने मैनू इस गल सोचने मजबूर कर दिता है कि यह तो बहुत वधिया बनगी है कविता की, असी मैं कहना चाहूँगा असी हाइकू मगर भज रहे हैं जापान की काव्य की। असी बोलियां के टप्पे क्यों नहीं लिखते, असी बोलियां के टप्पे लिखिए, एक टप्पा लिख के काम भी खत्म हो जाता, छेती नींद भी आ जाती है, तो बोलियां भी दस लाइना की बोली एक लिख के कोई औखी नहीं हैगी। पता नहीं बेशुमार बोलियां लिखिया जा सकदियां हन, तो बोली लिखना कोई इन्ना औखा भी नहीं लगता जो थोड़े अंदर कुछ हो। बाकी सेखा साहब ने अपने परचे पर बड़ी मेहनत की है, तो इन्हों की एक बोली का जिक्र मैं करना है संघा साहब जा के, रुखा ने किराया मंगना जे तू चिड़िए आल ना पाया। सौ नज़मां की एक नज़म है जी, सौ कवितावां दे नाल ही कविता है, अपने आप एक गल कहती है। भ्रूण हत्या की गल बिना नारा लाया, बिना कोई रौला रप्पा पाया, बिना किल्या बिना जोर लाया गल कर दी है, करके आ गए ने सोची चलो। इस तरह की कविता होनी चाहिए, कविता का सुनेहा भी यह होना चाहिए। मोस्टली साड़ी कविता दुखांत है कि असी कविता के स्टेटमेंट दें, दो ते दो चार होंगे हैं असी कहते हाँ, असी ये कदे नहीं कहते कि दो ते दो पांच क्यों नहीं होंगे हैं।
दो पंज क्यों नहीं होंगे हैं एक कविता है दो चार होंगे हैं एक स्टेटमेंट है दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस इन्होंने बहुत अच्छा निभाया है बाकी है कि इन्होंने बीबी जी ने कहा है इंद्रजीत कौर सिद्धू जी ने कि स्त्रियां ही बोलियां पाउंदियां एक किताब छुपा के बैठ गए ने बीबी जी जगरावां की रोशनी तो वो जरा छपार का मेला थोड़ा पता मैं तो हम मुकाबला भी नहीं कहूँगा उत्थे बोलियां के टूरनामेंट होंगे आ तो उत्थे मर्द भिड़दे आ उस जी इस गल नूं आपां बनीए ना कि यह बीबिया की आ बीबिया भी बोलियां पाई जान तो मर्द भी बोलियां चुकी जान मेरे ख्याल यह कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए तो दूसरी गल है एक इन्होंने सेखा साहब ने इन्हों को भी सुभाविकी कितने हुई होगी गल इन्होंने एक छोटी जी लैंग्वेज की गलती की है जे मैं इदा चुप करके चले जाता तो मैं अपनी जमीर नाल इंसाफ नहीं कर रहा होवगा तो बचना चाहिए ये जिन्हें लिखा कि संघा साहब ने घरेलू समस्यावां ते पति पत्नी विच हुंदी नोक झोक इस समस्यावां ते पति पत्नी के विचाले नोक झोक हो गई है समस्यावां तो बाद अपना अलग उन्हों का होना चाहिए समस्यावां बारे तो पति पत्नी विचाले हुंदी नोक झोक मेरा ख्याल है अंत विच मैं यही कहूँगा कि संघा साहब अपनी संघा बाणी जारी रखन ते इत्थे सज्जण जिहड़े कोई फाइनेंसर बैठे होण मैनूं हुकम करन मैं एक अखबार कढ़ा जिहदे च संघा बाणी कालम शुरू करके थैंक यू।